महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस फॉर्म 2024 का कब तक आएगा? बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है, बहुत बच्चे परेशान हो चुके हैं कि सर हाई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस फॉर्म तो आ चुका है, महात्मा गांधी का क्यों नहीं आया? यूपी कॉलेज का आ गया, DDU का आ गया, हरिश्चंद्र का आ गया, लखनऊ का आ गया, हाई स्टेट यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ चुके हैं, अभी तक महात्मा गांधी का फॉर्म नहीं आया है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं आया। ठीक है, तो अगर आपका ये सवाल है तो सवाल कुछ बना के रखो, अभी मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ। दोस्तों उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से यहाँ मिलती आएगी। अगर आप लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो UG और PG कोर्सेज के, तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे BA का, BCOM का, MCOM का, MEconomics का, LLB जैसे कोर्सेज आप हमारे ऐप से पढ़ सकते हो बहुत कम प्राइस के अंदर। ठीक है, बहुत कम प्राइस, एक Jio के रिचार्ज से भी कम प्राइस में आप लोग यहाँ पे कोर्सेज को पढ़ सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म क्यों नहीं आ पाया है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम को करवाने की जल्दी मची हुई है, क्योंकि भैया इस बार इवन सेमेस्टर है, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर है, तो महात्मा गांधी ने अभी तक अपने सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम को नहीं करवाया है। जब तक सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा बच्चे PG में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो भैया पहले इनको अपना सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम भी करवाना है, ये भी एक दिक्कत है। एंड इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इस बार अपने सीट्स में इंक्रीज करने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो सीट है वो बढ़ने वाली है हर कोर्सेज के अंदर। साथ में दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोग हो सकता है कि इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 4 साल का ग्रेजुएशन देखो, यानी कि हो सकता है कि आपको विद्यापीठ के अंदर 4 साल का ग्रेजुएशन मिलेगा और बहुत सारे नए नए कोर्सेज भी MGKVP के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो जब इसका बुलेटिन आएगा तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें दिखाई देंगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम के बोचे में, तो अगर आप इंतजार कर रहे हो तो इंतजार कर लो, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भैया लोगों ने कहा है कि इनका फॉर्म आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर। अब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को अभी इंतजार करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया मई में शुरू होने की उम्मीद है, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में या फिर मैक्सिमम सेकंड वीक में तो आ ही जाएगा। ठीक है, हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व की तैयारियों में जुटा हुआ है, भैया एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी चल रही है। UP बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट निकलने के बाद काशी विद्यापीठ में लगभग 3000 स्नातक और स्नातक सीटों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इंतजार में हैं, भैया आप लोग इंतजार कर ही रहे हो। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत प्रावधान लागू होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश से जुड़े तमाम कार्यों को अभी समेट नहीं पाया है, भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण बहुत सारा बर्डन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये भी है, काशी विद्यापीठ की प्रवेश समिति ने सभी विभाग अध्यक्षों से सीटों की संख्या मांगी है कि भैया किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें हैं, कॉमर्स में कितनी है, आर्ट्स में कितनी है, सबके अंदर मांगा गया है, हर डिपार्टमेंट से बताइए कितनी सीट है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत कुछ नए पाठ्यक्रम में भी शुरू हो रहे हैं, यानी कुछ नए नए कोर्सेज भी यहाँ पे आने वाले हैं। नए कोर्सेज का मतलब हो सकता है कि BCOM 4 साल का भी इस बार आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस सत्र में उनमें भी प्रवेश किया जाएगा, उनकी डिटेल ब्रोचर में शामिल की जा रही है, यानी कि जो डिटेल है वो ब्रोचर में शामिल की जा रही है, यानी कि आपका बुलेटिन के अंदर। ठीक है, तो भैया वेट करो, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो बच्चे BCOM करना चाहते हैं, हो सकता है कि इस बार उनको 4 साल का BCOM विद्यापीठ में दिखे, एंड 4 साल के BCOM के बाद में आप लोग सीधे PhD में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, कॉमर्स सेशन से अगर आपको तैयारी करनी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए, जहां Jio से भी कम रिचार्ज में आप विद्यापीठ एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो। साथ में आपको UP कॉलेज, हरिश्चंद्र, DDU लखनऊ की आप तैयारी साथ में कंबाइंड कोर्सेज में कर सकते हो। ठीक है, बहुत कम प्राइस के अंदर। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना विद्यापीठ की किसी अपडेट के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस फॉर्म 2024 का कब तक आएगा? बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है, बहुत बच्चे परेशान हो चुके हैं कि सर हाई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस फॉर्म तो आ चुका है, महात्मा गांधी का क्यों नहीं आया? यूपी कॉलेज का आ गया, DDU का आ गया, हरिश्चंद्र का आ गया, लखनऊ का आ गया, हाई स्टेट यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ चुके हैं, अभी तक महात्मा गांधी का फॉर्म नहीं आया है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं आया। ठीक है, तो अगर आपका ये सवाल है तो सवाल कुछ बना के रखो, अभी मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ। दोस्तों उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से यहाँ मिलती आएगी। अगर आप लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो UG और PG कोर्सेज के, तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे BA का, BCOM का, MCOM का, MEconomics का, LLB जैसे कोर्सेज आप हमारे ऐप से
पा सकते हो बहुत कम प्राइस के अंदर, ठीक है, बहुत कम प्राइस, एक जियो के रिचार्ज से भी कम प्राइस में आप लोग यहाँ पे कोर्सेज को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म क्यों नहीं आ पाया है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम को करवाने की जल्दी मची हुई है, क्योंकि भैया इस बार इवन सेमेस्टर है, सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, तो महात्मा गांधी ने अभी तक अपने सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम को नहीं करवाया है। जब तक सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा बच्चे पीजी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो भैया पहले इनको अपना सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम भी करवाना है, ये भी एक दिक्कत है। एंड इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इस बार अपने सीट्स में इंक्रीज करने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो सीट है वो बढ़ने वाली है हर कोर्सेज के अंदर। साथ में दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोग हो सकता है कि इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 4 साल का ग्रेजुएशन देखो, यानी कि हो सकता है कि आपको विद्यापीठ के अंदर 4 साल का ग्रेजुएशन मिलेगा और बहुत सारे नए नए कोर्सेज भी MGKVP के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। तो जब इसका बुलेटिन आएगा तो आपको बहुत सारी नई चीजें दिखाई देंगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम के ब्रोचर में, तो अगर आप इंतजार कर रहे हो तो इंतजार करियो, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। मई के फर्स्ट वीक में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भैया लोगों ने कहा है कि इनका फॉर्म आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर। अब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को अभी इंतजार करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया मई में शुरू होने की उम्मीद है, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में या फिर मैक्सिमम सेकंड वीक में तो आ ही जाएगा, ठीक है, हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व की तैयारियों में जुटा हुआ है, भैया एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी चल रही है। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट निकलने के बाद काशी विद्यापीठ में लगभग 3000 स्नातक और स्नातक सीटों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इंतजार में हैं, भैया आप लोग इंतजार कर ही रहे हो, ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रावधान लागू होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश से जुड़े तमाम कार्यों को अभी समेट नहीं पाया है, भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण बहुत सारा बर्डन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये भी है। काशी विद्यापीठ की प्रवेश समिति ने सभी विभाग अध्यक्षों से सीटों की संख्या मांगी है कि भैया किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें हैं, कॉमर्स में कितनी है, आर्ट्स में कितनी है, सबके अंदर मांगा गया है, हर डिपार्टमेंट से बताइए कितनी सीट है, ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत कुछ नए पाठ्यक्रम में भी शुरू हो रहे हैं, यानी कुछ नए नए कोर्सेज भी यहाँ पे आने वाले हैं। नए कोर्सेज का मतलब हो सकता है कि बीकॉम 4 साल का भी इस बार आ जाए, ठीक है दोस्तों। इस सत्र में उनमें भी प्रवेश किया जाएगा, उनकी डिटेल ब्रोचर में शामिल की जा रही है, यानी कि जो डिटेल है वो ब्रोचर में शामिल की जा रही है, यानी कि आपका बुलेटिन के अंदर, ठीक है। तो भैया वेट करो, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं हो सकता है कि इस बार उनको 4 साल का बीकॉम विद्यापीठ में दिखे, एंड 4 साल के बीकॉम के बाद में आप लोग सीधे PhD में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कॉमर्स सेशन से अगर आपको तैयारी करनी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए, जहां जियो से भी कम रिचार्ज में आप विद्यापीठ एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो। साथ में आपको UP कॉलेज हरिश्चंद DDU लखनऊ की आप तैयारी साथ में कंबाइंड कोर्सेज में कर सकते हो, ठीक है, बहुत कम प्राइस के अंदर। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना विद्यापीठ के किसी अपडेट के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।